हाय फ्रेंड्स, यू नो ये आने वाले संडे को फादर्स डे है। नहीं पता? अरे कोई बात नहीं यार, अब वैलेंटाइन डे थोड़ी ना है जो सबको याद रहेगा। और ऐसे भी मॉम डैड हमारे रोज की मॉम डैड है यार, उनका कोई डे नहीं होता। बस आजकल एक सिलसिला चल पड़ा है, फादर्स डे मदर डे। और इस फादर्स डे मैं आपके लिए अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची बात लेकर आया हूँ आपके लिए। पता है, एक दिन मैं बहुत उदास था, बहुत उदास, पूरा दिन एकदम खाली। शाम को जब घर लौटा तो पापा के पास जाके बैठ गया और अचानक पापा की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी पापा। पापा मेरी तरफ देखे, बोले, क्या हुआ राहुल? मैं बोला, नहीं पापा, सॉरी इसलिए कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा के आपको नहीं दे पाया। पापा मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, पता है राहुल, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके बेटे उन्हें हर महीना पैसा देते हैं, पर उनमें से सबको तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यार ना अपने पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते यार, उनसे जुबान लड़ाते हैं, उनकी हर एक बात काट देते हैं। यार राहुल, ये पैसे चीज़ ही ऐसी होती है यार, पता नहीं क्यों हम जिनको देते हैं ना उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। और आजकल के नए दौर के बच्चों को लगता है यार, पैसे दे दिए तो रिस्पेक्ट देने की क्या ज़रूरत है। और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ राहुल, तो मुझे पैसे दे या ना दे पर मैं रिस्पेक्ट करता है, मुझसे जुबान नहीं लड़ाता, जो भी कहता हूँ मानता है। तो इससे बड़ी खुशी बाप के लिए क्या हो सकती है यार, तो मुझे लाख रुपए महीना दे पर मेरी जरा से भी रिस्पेक्ट ना करे, वो पैसे किस काम के यार। पापा की ये बात सुन के यार मेरी आँख भर आई यार, मतलब साहब रिस्पेक्ट करने के पैसे नहीं लगते यार, फिर भी लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। और आखिर में पापा ने एक बात कही, आखिर में पापा ने ये कहा कि राहुल, पता है जहाँ रिस्पेक्ट है वहाँ प्यार है, और जहाँ प्यार है वहाँ रिश्ते हैं। और मैं आज कमा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, पर मुझे पता है जिस दिन मैं कमाने लायक नहीं रहूँगा तो मुझे संभाल लेगा। पापा ने ये कह के मुझे गले से लगा लिया यार। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है यार, मतलब जो इंसान हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या उसके बदले हम उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते। आप ये वीडियो लाइक करें ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन प्लीज़ रिस्पेक्ट योर फादर मैन, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन।